है। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। आप लोग कैसे हो? तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो में, जहाँ पर एक और मूवी की दो और मूवीज की ओटीटी रिलीज डेट जहाँ पर निकल के आई है वो डिटेल्स आपके पास में शेयर करने वाला हूँ। जहाँ पर फर्स्ट मूवी है अनचार्टेड, जिसके स्टारर में है टॉम हॉलैंड सर, सोफिया मार्क्स सर, इतनी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म। जो ये मूवी है हिंदी में काफी ज्यादा एंटिसिपेशन वाली मूवी है, तो इसकी भी ओटीटी रिलीज डेट जो निकल के आई है उसके बाद हम लोग सेकेंड बात करने वाले हैं आज ही के दिन रिलीज हुई फिल्म बीस्ट, जिसके स्टारर में विजय थालापति सर हैं और इसका जो हिंदी में नाम रखा गया है रॉ। इस मूवी की जो ओटीटी रिलीज डेट है वो भी निकल के आ गई है और इन दोनों मूवी की जो ओटीटी स्ट्रीम है वो किस जगह होनी है और आप लोगों को किस डेट पे देखने को मिलेगी, ये टोटल हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह के मूवीज की अपडेट्स पाने के लिए और मूवीज की रिव्यूज पाने के लिए। और अगर आप लोगों ने रॉ मूवी की रिव्यू नहीं देखी होगी तो आई कार्ड पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाकर उसे क्लिक करके उस मूवी की रिव्यू देख सकते हिंदी में। बाकी हम बात करने वाले हैं मूवी में, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट चलते हैं अनचार्टेड मूवी के, जिसके स्टारर में टॉम हॉलैंड सर, सोफिया मैम और मार्क सर हैं, इतनी बड़ी स्टार कास्ट में। और जहां आप लोगों को पता ही होगा ये जो मूवी है एक गेम बेस्ड मूवी है और इस फिल्म की, और अगर आप लोगों ने इस मूवी को मिस कर दिया होगा थिएटर एक्सपीरियंस करने के लिए तो आप लोग ओटीटी पे देख सकते हैं। तो इससे बुक माई शो ने एक्वायर किया है इसकी ओटीटी राइट्स को। आप लोगों को ये जो मूवी है अनचार्टेड 28 अप्रैल के दिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बुक माई शो पे स्ट्रीम होते हुए नजर आ जाएगी। बाकी मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड मूवी के बारे में, डायरेक्ट चलते हैं हम बीस्ट मोड ऑन करते हुए थालापति हमारे विजय सर की स्टारर में फिल्म रॉ, जिसका नाम है हिंदी में। इस मूवी का इतना अच्छा एंटिसिपेशन है मगर प्रमोशन नहीं है इस मूवी की हिंदी में भी, और इसकी स्क्रीन काफी कम मिली है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 कल के दिन रिलीज होने वाली है। और हिम्मत देखिए दोनों के साथ में ये फिल्म जब रिलीज हुई है क्लैश की है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है इस मूवी के लिए। तो जिन जिन लोगों ने इस मूवी को थिएटर्स पे प्लान किया है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहूंगा फिल्म आप लोग जाके उसे देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म आपको निराश करने वाली नहीं है। बाकी जो कुछ ऑडियंस ओटीटी पे वेट कर रहे हैं इस मूवी को रिलीज होने के लिए, तो आप लोगों को ये जो मूवी है हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे एक्वायर किया है इसके ओटीटी राइट्स हिंदी को, उसके बाद में जितने भी रीजनल लैंग्वेज है जैसे कि मलयालम, तेलुगु, तमिल, वो लैंग्वेज आप लोगों को सन एनएक्सटी पे देखने को मिल जाएगी। और जो इसकी डेट्स निकल के आ रही है वो जून के थर्ड वीक पे आ रही है, क्योंकि इसकी जो विंडो को रखा गया है थिएटर्स और ओटीटी के बीच के गैप को वो है 50 to 55 days का। तो जहां तक अगर मैं इसको एस्टिमेट लेके चलूँ और जो डिटेल्स निकल के आ रही है जून के थर्ड वीक को आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी, हिंदी नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगी और जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस मूवी की वो आपको सन एनएक्सटी में स्ट्रीम होते हुए नजर आ जाएगी। बाकी आप लोग इस दोनों मूवी को अगर देख लिया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरी डिटेलिंग अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे दोस्तों। बाय बाय।